कर सुख वसेया, बाहर सुख पाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख चैनल के प्यारे दर्शकों, सिख चैनल वालों आप जी का स्वागत है। सरदूर सिंह मालवा वालों आप जी ने जी आया। घर सुख वसया प्रोग्राम आप हर बुधवार देखते हो। असी पिछले प्रोग्राम दे विच गल कर रहे सी घर दे विच प्रसन्नता, और प्रसन्नता की भाल विच असी तुरदे हां कि असी किस तरह खुशी हो सकते हैं। जिंदगी अपनी तुरे जांदे हां, इस लंबे सफर दे विच बहुत सारा सानू एक्सपीरियंस हुंदा है। असी वो एक्सपीरियंस अपने बच्चों के लिए जां दोस्तों के लिए जां रिश्तेदारों के लिए चंगे पासे भी वरत सकते हैं। असी कई गल्लां इहो जिहियां सीख जाने हां वो नाल ही लैके मर जाने। असी वो चंगे काम चंगीआं गल्लां आउण वाली पनीरी नूं दे के नहीं जांदे, जिस दे नाल उहनां दा जीवन कुछ सुधर सकता है, उसनों सुधार सकते भी मेरे बापू ने आह गल कही सी, मेरे डैडी ने आह गल कही सी। जिवें मैं कई बार अपने प्रोग्राम गल करता हूँ, मैं अपने बजुर्गों की गल्लां करदा क्योंकि उन्हां तो कुछ सुनिया कुछ देखिया गल्लां। सो इस तरह ये गल जिहड़ी है असी जो पिछले प्रोग्राम दे विच गल छड्डी सी उसनों लैके फिर अगे तुरदे हाँ कि प्रसन्नता दीआं असी गल्लां करदे सी। सो आओ प्रोफैसर पूरन सिंह जी यूके वालिआं दे नाल असी गल कर रहे हैं। सो प्रोफैसर साहब, पिछले प्रोग्राम दे विच असी प्रसन्नता दी भाल दी जां प्रसन्नता दीआं गल्लां कीतीआं, ते कई वक्रे वक्रे असी पहलू छोए जिन्हां दे नाल इंसान किहो जिहा, तुसी उहदे विच कही सी गल वी उह बाहर मुखी दो तरह दा हुंदा जां इस तरह। हुण कई परिवारां दे विच जां कई इंसान हैगे आ वी उह निक्की जिही गल कोई हुंदी आ उसदी बड़ी खुशी महसूस करदे, बड़े प्रसन्न हुंदे आ, ते पर उह प्रसन्नता ते इक लिमिटेड जिही हुंदी आ ना, वह थोड़ी जी होंगी है। उस तो बाद फिर होंगे भी कोई होर निक्की जी गल हो गई फिर खुश हो जाते हैं, तो पर जी निक्किया निक्किया गल्लां उन्हां तो बाद प्रसन्नता जानी कुछ मिनटां दी जां कुछ घंटियां दी, उस तो बाद फिर अपने उस उन्हां झौरियां दे वल, उन्हां ही दुखां दे वल जां उन्हां नमोशियां दे वल तुर पैंदे ने। सो की ये निक्किया निक्किया जिहड़ियां प्रसन्नता हैगियां होणियां ते चाहीदियां, इहदे विच मतलब की असीं इह समझदे वी साडी जिंदगी जिहड़ी आ उह चल रही है, भी असी वो निक्किया निक्किया करके एक बड़ी प्रसन्नता बना सकते हैं, जां बड़ी प्रसन्नता नहीं जी बना सकते, तो ये निक्के निक्के ने प्रसन्न हो गए असी अपनी जिंदगी नूं समझदे भी लो जी जी असी खुश हैं। प्रसन्नता वास्ते मैं ख्याल है निक्किया निक्किया गल्लां विचों प्रसन्नता लभण दी जांच होनी चाहीदी है, क्योंकि जे वड्डियां वड्डियां गल्लां नाल ही प्रसन्न होना होवे जी, तो फिर असी अपनी जिंदगी विच अपने परिवार विच व्यार दो चौ महीने सानू व्याह करन दी लोड़ पिया करू जां सानू गुरपुरब मनाउंदे रहिणे पिया करनगे, दुनिया दे होर काम ते असी कर नहीं सकांगे। नहीं, मेरा ख्याल है भई जां कोई बहुत वड्डे वड्डे जिहड़े शहनशाह लोक होणगे उह खुश रहणगे, बेचारे लोग काम करने वाले तो खुशी हो सकते, उन्होंने जिंदगी खुशी का कोई थां ही नहीं रहेगा। नहीं, मैं समझना प्रसन्नता का वड्डिया गल्लां नाल कोई संबंध नहीं जी। ऑरेलियस नाम का एक रोमन एम्परर होया, वो पहला आदमी सी रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस, जिन्हें कहा कि भी भलिओ मानसो आ जिहड़ा तुहाडे कोल काम है ना अंपायर का, ए मेरे को नहीं जे होना, मैं होर तरह का बंदा हाँ, तो कोई होर नाल बना लो अपने थां मेरे थां। वो कहन लगे चलो तुसीं इधर, वो फिलासफर जिहा बंदा सी, इज्जत करदे सन लोक, उन्होंने कहा भी तू ही बनिया रहा है, तेरे नाल एक होर बना लैंदे आ। अच्छा, दो एम्परर रोमन अंपायर दे उहदे वक्त बने। उस तो मगरों कोई ऐसा समय भी आया रोमन अंपायर इन्नी फैल गई कि रोमन अंपायर दे 8 एम्परर भी एक वेले सन। अच्छा, मगर उस वेले एक गल पहलों उन्हें शुरू की थी, उहदा एक कथन है, उहदी एक किताब है बड़ी शानदार मेडिटेशन नाम दी,
स्टोएक किस्म का आदमी सी, बुद्ध धर्म नूं कुछ क बिगाड़ के बनया सी स्टोएसिज्म, ते उस नूं मनने वाला सी। वो ये कहिंदा सी भई मैन कैन लिव हैप्पी इवन इन ए पैलेस, इवन इन ए पैलेस। इवन इन ए पैलेस। अच्छा बड़ी कहिंदा महल विच भी आदमी खुश रह सकता, यानी उहदा मतलब ये सी कि खुशी महला नाल बहुता संबंध नहीं रखती। खुशी असल विच है छोटिया छोटिया गल्लां विच है, ते वो छोटिया छोटिया गल्लां असीं महला विच भी क्रिएट कर सकते हैं। मेरे मित्र मग्गर सिंह जी पनेसर, उन्होंने बारे च मैं इस किताब विच पहला ही जिक्र किया सी कि वो आए ते उन्होंने तो ही मैनू एक प्रेरणा मिली एक किताब लिखण दी। उन्हां विच फिर गां गां गल्लां होर हुंदियां रहियां, ते उन्होंने दस्सिया कि मैं कैंटरबरी चला गया। उन्होंने कहते कौंसल ने मकान देना सी परमानेंट, उन्होंने पहले उन्होंने टैंपरेरी उन्होंने इंतजाम करना पिया, ते टैंपरेरी इंतजाम उन्होंने कैंटरबरी किया गया, बड़ी दूर गए। ते वह कैंटरबरी चले गए। तो उत्थे बेचारे ने उदास होकर बैठा सी, इत्थे टब्बर के लोग लाग गए सन, पर उहदे इहो ही बड़ी उदासी सी भी मैनू टब्बर तो दूर रहना पै गया, कौंसल के मकानों रहना पै गया, भाई नहीं मैं टब्बर वाला आदमी तो ये की गल हुई। पर उत्थे गया तो होर भी उदासी बढ़ गई बेचारे की। कहिंदा मैं उत्थे बैठा सा एक पार्क विच कैंटरबरी कैथीड्रल दे लागे, ते उदास जिहा सा, ते मेरे लागे आके दूजे बेंच नाल दे बेंच उसे बेंच उत्ते दूजे पासे एक औरत कोई अंग्रेज़ औरत बेचारी बैठ गई आके। इस बुढ़े बाबे नूं कहिंदी है देख के, ते उन्हें सोचा भी उदास क्यों, कहते क्यों उदास हूँ। मैं कह नहीं उदास नहीं, कहते देख दोवें रल के असी तो गल्लां करन लग पे। उस नदी जी सी लागे निक्के निक्के पानी जो बतखां तर दियां सी, कुछ फुल देखे, कोई इधर उधर पार्क में वो गल्लां मेरे ना करन लग पे। वो गल्लां करदे करदे मैनूं चेता ही भुल गया कि मैं कैंटरबरी लंदन तो इतने कैंटरबरी आ गया होया, तो मैं दूर हो गया अपने सज्जना मित्रा तो, मैं उदास होने की मैं उन्हें जी खुश। तो मैं आख्या भी है आ निक्किया निक्किया गल्लां जो दुनिया भी तौर पर बिल्कुल फजूल हैं, ज्यादा कोई मतलब ही नहीं। मैं कि लैना पतखा ताबिया को, मैं कि लैना इन्हें फुला खिड़िया होना, इन्हें मैनू की देना। ये छोटी छोटी गल्लां ने पर इन्होंने मैनू खुश कर दिता। वो गल वो मैं चेते रखी। मैं जरा मैं इजाजत दो कि मैं किताब खोल के ना हाँ जी पढ़ सका, क्योंकि मैं सब कुछ याद नहीं रख सकता, जी जी ते किताब सारी याद रखनी किसी के बस की गल नहीं होंगी। हाँ जी फिर मैं लिखा है पैरे च ये मकर सिंह होना की गल नूं याद करके भी खुशी किसी महानता की मुहताज नहीं, जी भावें किसी तरह की महानता है खुशी वो मुहताज नहीं। जंगल विच खिड़िया होया निक्का जिहा फुल सानू अजिहे भावां नाल भर सकता है जिन्हां दे प्रगटावे लई साडे सारे हंझू भी काफ़ी ना हो। एक अंग्रेज़ी दी लाइन पढ़ी सी मैं पोइट्री दी, मीनेस्ट फ्लावर दैट ग्रोज इन द फॉरेस्ट कैन फिल अस विद थाट्स विच आर ऑफन टू डीप फॉर टीयर्स। ओह माय गॉड। अच्छा अच्छा वो मैं तर्जमा करके अच्छा तो कितने। पढ़ता। हाँ जी देखो कहना भाई सारा पहला ही मैं उत्ते लिखता हर मिठे बोल विच, हर निष्कपट तकनी विच, हर निरछल मुस्कान विच, बाग बीच बगीचियां दियां सैरां विच, सोहणे शॉपिंग सेंटरां विच, बेमतलब फिरदे रहण विच, दरियावां दी दोस्ती विच, लाइब्रेरियां दे शेल्फां उत्ते पईयां किताबां नूं झाकण विच, बच्चियां नाल खेडण विच, अपने घर दे पछवाड़े बागबानी करन विच, रसोई विच कम करदी साथण दी सहायता करन विच, गुआंढियां दे किसे कम आउण विच, टैलीविजन उत्ते क्रिकेट जां फुटबाल दा मैच वेखण विच, इत्थों तक कि जासूसी नावल पढ़ने विच अते हिंदी फिल्मां वेखण विच प्रसन्नता दी देवी
ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਦਿਆ ਦੀ ਇੱਕ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਰੂਪਾਂਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਲੱਭੇਗਾ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਉਸੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਾ ਸਹੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਾਈ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨੂੰਹਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਰਵੈਂਟ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਆ ਗੋਲਫ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਕ ਖੇਡਣ ਚੱਲੀਏ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਤੂੰ ਗੋਲਫ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕਿਆ, ਕੁਝ ਜੀਣ ਵਾ, ਸਰਵੈਂਟ ਕਲਾਸ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੇਡ 'ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਸਟਰਗਲ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਚਲ ਗਏ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਸ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋਟੀ ਦੇ ਭਾਰ ਪੈ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਚੌਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਂ ਲੇਖਣੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਲ ਦੀ ਖਾਲ ਉਧੇੜ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਖਿਆ ਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਜੀ ਜੀ ਕੋਹ ਮਾਰ ਜਾ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਥਿੜਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਸੁੱਖ ਵਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੱਚ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਟਰੂਥ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਵ, ਪਿਆਰ ਔਰ ਸੱਚਾਈ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਟਰੂਥ ਇਜ਼ ਗਾਡ ਜਾਂ ਲਵ ਇਜ਼ ਗਾਡ, ਗਾਡ ਇਜ਼ ਲਵ, ਇੱਦਾਂ। ਔਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਆ ਪਿਆਰ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ
एक दुनियावी रिश्ता है जो प्रोक्रिएशन वास्ते चालू है। मेरा ख्याल है इन गॉड कह देंगे तो कम दुनिया से बड़ा अनर्थ फैल जाएगा, हाँ जी, वो तो सारे जिन्हें रेपिस्ट होंगे सारे गॉड के रिलीजन इधर चले ही जाओ। पास चल गए। मैं नहीं ये गल मनने तैयार, इस डेफिनेशन तो दूर हो जाओ तो फिर वो केड़ा प्यार होएगा। मेरा ख्याल है मैं थां ते एक लफ्ज़ होर चुनिया होया, उन लफ्ज़ का मैं कोई तर्जमा वैसे कर नहीं सकिया, संस्कृत का लफ्ज़ ही बोलांगा इत्थे, मैत्री। मैत्री मैत्री एक भाव नूं कहिंदे आ, मित्रता की भावना, जिहड़ी है अच्छा। मित्रता की इच्छा उन्हूं कहिंदे असीं मैत्री। मेरा ख्याल आ जे प्यार विचों असीं एक लफ्ज़ आ कढ लईए ना, मैत्री मित्रता, ते मित्रता नूं ते असीं गॉड नाल रिलेट कर सकदे आ। होर प्यार दे जिन्ने सारे तुहाडे किस्से लिखे पए ने, जिन्ने नावल ते जिन्ना सारे, मैं वो रब नाल मैं जोड़ना नहीं चाहुंदा, ते यार रब जिदा हैगा फिर उदा दा ही रहेगा। हाँ जी मैनू इस सर में गल करते, मैनू एक गल याद है, अंग्रेज़ की एक दी गल याद हैगी। उन्हें एक बार उन्हें एक गल सवाल किया सी, व्हाट इज़ लव। तो उन्हें दूसरे मेरे जवाब पूछण तो लैण तो पहलों ही उन्हें नाल ही एक होल करता, कहिंदा इट्स ए कॉन वर्ड, ए फरेबी वर्ड है ये, कहिंदा बिल्कुल ये कहिंदा भी कुसी तीवी आदमी, वो कहिंदा आई लव यू, हाँ जी, वो कहिंदा लव यू टू, कहिंदा सिर्फ दो लफ्ज़ों के विच हो जाती है। पर कहिंदा कई बारी ये एनी कौन करता बंदे नूं, जां इहनूं इन्ना फरेब दे विच, जां इहनूं कहिंदा धोखेबाज बिल्कुल तरीके दे विच भाई, वरत्या जांदा, आमेन। पर वो कहिंदा लव हले वो करता नहीं हुंदा, ना हां जी, कहिंदा भी दैट इज़ हिज गिल्टी कॉन्शियंस, हां जी। वो इहो जिहियां गल्लां जदों करदा तां इदां हैगा भी जे मतलब असीं इस जिहड़ी हुण तुसीं गल करके हटे हां भी इस प्यार नूं, इस लव नूं असीं उस तरीके नाल ही वरतदे हां जिथे सानूं लोड़ है, जां असीं मतलब इहदा सही ले मायने ही नहीं समझने की कोशिश की। मेरा ख्याल है भी असी मायना नहीं समझे, और सानू चाहिए है कि लव नू स्त्री पुरुष विच जिहड़े साडे जिनसी संजोग ने ना, इन्हां संजोगां तों उपजन वाले साडे सारे रिएक्शन कर्मां नू एक दूजे वाल जो देखना है, इन्हां नूं तां की लव रख डेफिनेशन चाहिए है, इन्हूं बहुता वधाउणा वधाउणा नहीं चाहिए, मैनू ये चंगा नहीं लगता। और ये प्यार परिवारक तौर उत्ते या शादियां ब्याह या जो भी समाज की साड़ी बनी हुई मर्यादा है, उस मर्यादा विच है। जे इन्हू रब बनावांगे तो मर्यादा तो बाहर हो जाएगा, क्योंकि जिन ये लिखे ते सिर ना है, वो जिहड़ा असूल कानून बनाउंदा दुनिया वास्ते वो तो लागू ही नहीं हुंदे। इस करके असीं लव नू गॉड नहीं कहना चाहुंदे, क्योंकि ये तो फिर कोई कानून लागू नहीं होएगा। असीं इन्हू बिल्कुल मर्यादा विच रख के राजी हैं। मेरे ख्याल विच इहदे नालों वधिया लफ्ज़ है सत्कार। जदों असीं मनुखी जीवन विच आ के सभ्यता का जीवन जीना शुरू करते ही, अजे तक सभ्य होया नहीं मनुख हुए समुचे तौर पर, उसका जंगली आ देखो की हो गया सारे मिडल ईस्ट विच की ये बीमारी पई तुसी है। जिहड़ी पहली इंटरव्यू सी तुसी उहदे च एक लफ्ज़ वरतिया सी बारबेरियन, हाँ उहदे ते फिर असीं आवांगे अजे असीं तक असीं आ वो, क्योंकि आ वो एक बड़ी आ वक्री गल है, मैं हाँ उस बिल्कुल वो क्वेश्चनेबल मेरे लिए, ते हाँ वो फिर बिल्कुल करांगा, बिल्कुल जी ते वो क्योंकि इस पासे असीं रहिए कि हाँ हाँ तुसी गल कर रहे भी प्यार जिहड़ा है ना सत्कार दे विच। तो मेरा ये ख्याल है जी भाई, जो असीं सभ्यता वाल नूं तुर रहे हैं ना, पहली गल सानूं लोड़ है सुरक्षा दी। सुरक्षा सुरक्षा नूं डार्विन जो दसन लगा सी, उन्हें कहा सी भी ये अपनी एग्जिस्टेंस नूं अपने जीवन नूं कायम रखने लई अपने अपना बचा करने लई, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ओ साडी है। उत्थों गांह गांह सुरक्षा गांह गांह सुरक्षा, तो फिर मैंने बदल जाते हैं जो आदमी बन जाता, वो घर च नहीं रहा, वो गांह मकान बनाने शुरू करते, फिर हम सुरक्षा दिया कई मायने बन जाएंगे, साढ़े को हीटिंग भी चाहिए, साढ़े को वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, सुरक्षा हो गया। उस तो बाद सानू रोटी भी चंगी तरह खानी चाहिए है, मिलने मिले उदों तो असी पत्ते पुत्ते खा के खानी, जानवरों के मेले की करते रहे हैं, मगर हुण सानू सब कोई गैस वगैरह ताकि साड़ी रोटी पकाउण दा साधन साधन सानू, बने ले। ये सब ये सुरक्षा च ये चीज़ें शामिल हैं जिहड़े साडे शरीर नू कायम रखण लई काम आउंदे। सुरक्षा तो अगे असी चाहुंदे हाँ सुख, जंगली आदमी नू सिर्फ सुरक्षा चाहिए सी, किसी ना किसी तरीके नाल जीव रहा है,
सर्दियां गर्मियां चल के जीविया है, मगर जदों तो वह सभ्य हो गया, साधन बनाने लग पाया, उन्हें फिर सुख के साधन बनाने शुरू करते, फिर उन्हें सुख चाहिए, उन्हें कपड़े बनाने के तरीके कर ले, पहलू खला पाँगा होगा, फिर वह गां 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 गां, यह जी ख्वाहिश सी, ये सुख की ख्वाहिश सी। जदों सुखा में जी सफल हो गया, फिर उसने ये चाहा कि मैं जो समाज बन गया, मैनू अपने समाज में मेरी एक थान चंगी होनी चाहिए है, उत्थे मैनू सत्कार मिलना चाहिए। सत्कार जो जिंदगी होने से तक अं लोगों सत्कार देने की जाच नहीं सीख सके, असि मंगते हाँ मैं मेरा सत्कार करो, मेरा सत्कार करो, सत्कार करना बहुत घट तैयार है। हाँ जी, जदों दुनिया सत्कार वाले आदर्श विच इस सफर विच अपनी मंजिल नू पा लेगी, पहुँच जाएगी, सत्कार करना सीख जाएगी, फिर मेरा ख्याल है दुनिया के लोग इस जीवन विच एक होर चौथी चीज़ की मंग करनगे, वह है सुंदरता, वह है कोमलता, वह है पवित्रता। ये सारिया लफ्जा वास्ते मैं एक ही लफ्ज दसना, वह है सुंदरता। उदो सत्कार तो अगे सुंदरता, सुरक्षा, सुख, सत्कार, सुंदरता, ये चौं सस्यां विच मैं समझदा हाँ कि जिंदगी दी सभ्यता का सफर चल रहा है। और जदों वह सुंदरता दे उत्ते पहुँच गया, उदों आखेगा कि मैं असली तौर पर हूँ अज सभ्य हो गया हाँ। प्रोफेसर साहब, जदों तुसीं ये गल्लां करदे हो, क्योंकि ये कुछ मैं जे ये समझा कि जिहड़ी इस स्टेज की तुसीं गल कर रहे हैं, जां मैं गलत भी हो सकता, हुण असीं जदों कई बारी करदे, जिसां मैं पिछले प्रोग्राम दे अपने बापू जी की अपने ग्रैंडफादर की गल कही सी, वह हमेशा कहिंदे आनंद प्रसन्न, दो लफ्ज सिर्फ, हाँ जी की हाल है जी भाई साहब, आनंद प्रसन्न। हुण जदों तुसीं आह गल्लां करदे हो, क्योंकि जिहड़ी स्टेजिज नूं लै के तुरे हुए हैं, क्योंकि ये एक बहुत लंबा सफर असी मेरे ख्याल शुरू कर लिया है, क्योंकि जिसे असी हर गल नूं करना है, तो हर गल दे विच असी इह लैके आउणी गल। हुण इह जिहड़ी चार स्टेजां तुसीं दसियां, सुंदरता, हुण इह तुहाडी किताब है आनंद ते सुंदरता ते आनंद, हाँ जी, हुण उहदी, क्योंकि इह मेरा ख्याल है कि जदों असी गल करदे हां तुहाडी इह किताब एक एक किताब उस स्टेज की गल करती है, तो असी जी इस गल नूं शुरू कीता, तो मैं इस गल नूं लैके तुहाडे कोल पहुंचा सी कि यह जिहड़ियां हुण किताबां लिखते हो तुसीं, किताबां का जिक्र करना हर बार विच करांगे, तो क्योंकि समा साडे कोल फिर, क्योंकि अद्धे अद्धे घंटे की सिर्फ अपनी एपीसोड हुंदी है, तो मैं तीन चार मिनट रहिंदे ने, मैं एक तुहाडे कोल गल पुछनी चाहना, तो मेरा ख्याल तुसीं मैनूं जरूर जवाब दोगे। ये सारा भंडार है जो तुसीं कहा भी मैं 40-50 साल तो, थोड़ी बैकग्राउंड दे विच थोड़े ते किसे दा ते हाथ तो होगा कि इस पासे नूं तुसीं इह जिहड़ा ध्यान दिता, थोड़ी दिमागी एक शक्तिशाली इत्थे तक पहुँच गई है, ते ओ कौन हो सकते ने, माता पिता ही हो सकते ने। ये ठीक गल है जी, मैनूं मेरे सुभाव दी जे गल कीती जाए ते वो मैनू मेरे अपने माता जी तो मिले है। अच्छा जी, मेरे माता जी तो मैं बहुत कुछ मिले, पिता जी के सुभाव तो मैं बहुत कुछ नहीं मिले। वो बाहर रहिंदे सन, घर में आते सन, तो बहुत रोबदाब न रेंदे सन, बाहर बड़ी उन्होंने जिंदगी में बाहर आके वेखता रहा, बड़ी निम्रता न, कद कहे गुरुद्वार जाके नहीं आखिया, आओ नहीं आओ जा, हाथ रोटी देख रहे खा ली, वह कई थाई पिंड थावे जाते रहते, उन्हें मूसल च पराली बढ़ के सुते रहना, तो आखना वो ज्ञानी आया ही नहीं, वो कह लगे आ वे तो पराली सुता रहा रात। अच्छा, उत्थे नहीं मैं घर जाके बड़ा होर तरह रेंगे सर, तो मैं कई बार अपने माता जी दस दे पुछता हूँ सर, माता जी पापा जी ने कदों जाना। मेरे माता जी यह सन, वो कहते सी बच्चे लोग मारते आ, मैनू खिंचते किस वे आ ही जाती न्याणे ते, पर फिर मैं ज खिंचदी हाँ, तो मैं आखा मैं मारा, मैं सजा दें, फिर मैं सोचनी मारा कितने, यदा जिसम का किड़ा अंग वा जेड़ा मेरे मेरे लिए इन सजा देने बनया हो, मारन बनया है। मैं अपने पंजा बच्चों सारी जिंदगी
अज तक झिड़क दे के नहीं बोलिया, चाहे वो जिन्नी मर्जी शरारत करते रहे। पिता जी उन्हें थोड़े जिंदगी दी जड़ी गल है कि अज तक जे मैं ये भी कहां अतकथनी हो सकती कि ज्ञानी मान सिंह चौहर वर्गा कथावाचक दुनिया से ना पैदा होया तो ना होना। ना हो सकता, ये नहीं होएगा, ये बहुत चिर तक नहीं होएगा। उदा तो दुनिया कितने खत्म नहीं, पर बहुत चिर लगेगा। ना तेजा सिंह संतर वर्गा उस्ताद किसी को मिलना, ते ना किसी ने छेती छेती ज्ञानी मान सिंह चौर बन सकना। उन्होंने गुरबाणी की व्याख्या करने की जाच तेजा सिंह संतरों ने सिखाई। गुरदासपुर के लागे अलूणे पिंड के रहने वाले सन और वह गुरबाणी के बड़े बड़े विद्वान सन जी। क्योंकि मैनू प्रोफेसर साहब उन्होंने जे मैं ये लफ्ज़ भी वरत लवा कि नज़दीकी 6 महीने रहने का मौका मिले तो उन्हों का पुत्रां वर्गा प्यार मैनू दिता उन्होंने तो कुछ उन्होंने सीखिया हुई गलों तो स्टेजा के उत्ते हाले भी मैं बहुत बारी अपने टैलीविजन शो के भी जा वैसे भी उन्हों का जिक्र जरूर कर देना तो यह हैगा। मैं इसकी ये भी बहुत वड्डी खुशी है जो ये भंडारा जो तुसी लिख रहे हो ये दुनिया के वंडन का तुसी मैनू एक ये माण बख्शे ता कि असी सिख चैनल के जरिए दे विच जो ये थोड़िया बड़मुलियां किताबां ने इन्हों बहुत सारे लोग पढ़ते भी ने पर जो टैलीविजन की गल है ना ये हज़ारा ही लोग देखते हैं लखा ही लोग देखते हैं उन्होंने राही ये जो भंडारा है असी कोशिश करांगे कि हाँ जो असी ये गल्लां करते हैं जो असी डीप गंभीरता दे नाल जिसनूं सोच के असी गल्लां करते हैं असी उस पासे नूं तुरे हाँ। मैं बहुत ही ऋणी हाँ बहुत ही धन्यवादी हाँ तुहाडा जिहड़ा तुसां ने सानूं यह समां दित्ता हैगा। सो आने वाले प्रोग्राम दे विच आपदे फिर दर्शन करन दी कोशिश करांगा। सो आओ सिख चैनल दे प्यारे दर्शको, सो अज तुसाने देखिया कि हले प्रसन्नता दे 2 एपीसोड कर दिते हैगे क्योंकि ये समा ये गल्लां इतनी गंभीर ने इन्हां दे उत्ते मेरा ख्याल बहुत चिर असीं गल्लां करदे रहीए तां वी नहीं मुक्कणगियां। सो प्रसन्नता दे तो लै के सुंदरता तक इन्हां ने गल कीती है ते मैं ये भी कहांगा कि जो साडे घरां दे विच डर हैगे आ असीं डरदे बड़े हैं माड़ी जी गल तो डरते हैं उन्हां दे बारे भी इन्हां दे नाल विचार करांगे। सो अज ये भी सारिया संगतों ने पता लगे ज्ञानी मान सिंह चौहर जो पंथ के सिख जगत के एक महान कथाकार जिन्हां दियां सीढ़ियां असीं कुछ सेवा के तौर पर उन्होंने प्रोड्यूस कीतियां हैगियां वो भी थोड़ा मिल सकदियां साडे कोलों। सो मैं प्रोफेसर साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ अज्ज के प्रोग्राम के आने वाले प्रोग्राम के फिर इन्हां दे नाल गल करांगे। आओ इस प्रोग्राम की इतनी समाप्ति है किसी किस्म की गलती कर गए होवोंगे असी विचार कर रहे हाँ जे इन्हां विचारों के सांझ पाउणी चाहते हो अपने बड़मुले विचार विटार भेजने चाहते हो जरूर भेजो। सो आओ अगले प्रोग्राम में इजाजत दिओ ते फिर आपके दर्शन करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। घर सुख वसेया बाहर सुख पाया।